नमस्कार सभी को, मैं हूं नेहा। स्वागत है आपका स्नेहा एडुकेटर चैनल में। तो जैसे कि आपने देखा होगा, कल जो मैंने एक वीडियो अपलोड की थी 5 जनवरी को लाइब्रेरियन की वैकेंसी को लेकर, जो आपके डीट बेस में दिल्ली में जो निकली हुई है, तो उसके बाद काफ़ी सारे सवाल इस वैकेंसी को लेकर आए। क्या इसमें इंटरव्यू है, 2 एग्ज़ाम इसमें होने वाली है क्या, या फिर एक्सपीरियंस कितना चाहिए। और आपके जो सबसे ज़्यादा जो पूछा गया था वो आपके कंप्यूटर डिप्लोमा को लेकर पूछा गया था कि कौन कौन से डिप्लोमा चल जाएंगे, ऐसा कुछ। तो हम सारे क्वेश्चंस में देखेंगे, और पार्ट ए में किस तरीके का पैटर्न आएगा, या फिर क्या पार्ट ए और जो पार्ट बी है, क्या इसकी 2 अलग अलग एग्ज़ाम होगी या फिर एक में होगा। तो ये जितने भी क्वेश्चन आपने जो प्रीवियस वीडियो में मुझसे पूछे हैं, मैं सभी के जवाब जो है इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं जो कुछ भी जो PDF और जो नोटिफिकेशन दिया गया था डीट बेस्बी द्वारा, उसे में देखते हैं। तो ये नोटिफिकेशन आपने देखी होगी, तो फॉर्म का आपके जो स्टार्ट होने वाले हैं 24 जनवरी से। अब जो आपके फॉर्म जो पोस्ट कोड में सबसे पहले बताऊं तो वो आपका है 92/20, ये 29 नंबर पे जो इस पर दिया गया है इसका कोड। अब ध्यान रखें, ग्रुप बी की एग्ज़ाम होगी ये। तो ये यहाँ पर वैकेंसी के बारे में दिया गया है। तो अब देख रहे हैं कि इसमें एक्सपीरियंस की हम सबसे पहले बात करें कि एक्सपीरियंस चाहिए नहीं, तो इसमें बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। अब एक्सपीरियंस की बात आपको इसलिए आई है क्योंकि यहाँ पर जो थर्ड पॉइंट में जो इसके एसेंशियल क्वालिफिकेशन में जो दिया गया है वो ये है कि एक्सपीरियंस ऑफ 2 ईयर्स इन लाइब्रेरी या फिर कंप्यूटराइजेशन ऑफ ए लाइब्रेरी। तो इसमें आपको जो इक्विवेलेंट हो जाएगा आपके जो डिप्लोमा है 1 साल का, उसके बराबर में एक्सपीरियंस मांगा है। अगर आप वो एक्सपीरियंस लगा सकते हैं तो आपको इस डिप्लोमा की कोई आवश्यकता नहीं है। अब जो ये डिप्लोमा है जिसमें पूछा गया है कंप्यूटर एप्लीकेशन, अब जिनने भी BCA कर रखा है वो ज़रूरी इसके लिए एलिजिबल है, क्योंकि इसमें तो केवल 1 साल का ही मांगा गया है। अगर आपने BCA के फॉर्म में आपको पता ही होगा कि कंप्यूटर एप्लीकेशन से रिलेटेड जो है वो, अगर किसी ने 3 साल का कर रखा है तो बहुत ही अच्छी बात है। जिन लोगों ने MCA कर रखा है वो भी इसके लिए एलिजिबल है। PGDCA वाला जो 1 साल का डिप्लोमा होता है वो भी इसके लिए एलिजिबल है। तो कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपने जो 1 साल का मिनिमम जो भी डिप्लोमा कर रखा है वो आपके इसके जो है एलिजिबल है आप सभी लोग। साथ में आपको पता होना चाहिए आपके पास जो ये लाइब्रेरियन से रिलेटेड आपके पास या तो अपने डिप्लोमा कर रखा हो या फिर बैचलर जो भी कर रखा हो वो ज़रूर इसके साथ ज़रूरी है। बाकी आपको जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड है वो मैंने बता दिया है, BCA हो चाहे MCA हो, चाहे आपने पास कंप्यूटर एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई भी PGDCA का आप डिप्लोमा कर रखा हो 1 साल का तो मिनिमम हो, तो आपके इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो आई होप ये आपके क्लियर हो गया होगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये आ रही है कि इसमें इंटरव्यू है या नहीं है, और ये है कि इसमें 2 एग्ज़ाम होने वाली है तो किस तरीके से। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं। तो ये जो आपका सेक्शन दिया गया है सेक्शन ए और सेक्शन बी, तो ये आपका एक ही पेपर में आएगा, 2 अलग अलग इसके लिए नहीं लिए जाएंगे। तो उसमें लिखा हुआ है कि 20 मार्क्स ईच, तो हर एक सब्जेक्ट जो दिया गया है जनरल अवेयरनेस के 20 आएंगे, जनरल इंटेलिजेंस के 20 आएंगे, तो ये सभी क्वेश्चंस में आने वाले हैं। तो इसमें 4 पॉइंट दिए गए हैं आपके। अगर हम इसमें बात करें आपका जो पोस्ट कोड है 92/20 लाइब्रेरियन का, और उसके बाद सेक्शन बी आपका जो लाइब्रेरी साइंस रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके इसमें देखने को मिलेंगे। सेक्शन बी में जो आपका आएगा वो BEd से रिलेटेड, जो आपके टीचिंग मेथोडोलॉजी बिल्कुल नहीं आएगी क्योंकि आपके BEd नहीं मांगा गया है, आपके लाइब्रेरी का जो है डिप्लोमा ही मांगा गया है। तो यहाँ पर आप देखिए जो सेक्शन बी है इसमें लिखा गया है कि पोस्ट स्पेसिफिक जो आपका सब्जेक्ट रिलेटेड होगा, जैसे लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस जो है आपके जो सेक्शन बी है उसमें पूछे जाएंगे, जो कि आपका 100 क्वेश्चन इसमें आएंगे और 100 मार्क्स का होगा वो है, तो उससे कंफ्यूज ना हो। अब यहाँ पर जो लिखा गया है वो उस चीज़ को आप देखें, तो जिन लोगों को भी कन्फ्यूजन है लाइब्रेरियन को लेकर कि कैसे में BEd एंड CTET और कुछ चाहिए, तो बिल्कुल नहीं चाहिए। इसमें आपका लाइब्रेरियन का डिप्लोमा चाहिए, और आपका जो दिया गया है कि मिनिमम 1 साल का जो आपको डिप्लोमा चाहिए, या फिर आपने कोई कंप्यूटर एप्लीकेशन में अगर एक्सपीरियंस है अगर आपके पास 2 साल का तो वो आप लगा सकते हैं। तो इसको ध्यान रखिए आप। अब
एक और चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, केस में आपका जो जैसे टीयर फर्स्ट ही होगा, सेकंड नहीं होगा, इसमें वन टीयर एग्ज़ाम है आपकी लाइब्रेरियन की, क्योंकि अगर टीयर टू भी इसमें होता तो आपका इस तरीके से आगे जो गिवन हो जो रहा था आपका वो इस तरीके से होता। जैसे अगर इसमें टीयर फर्स्ट और टीयर सेकंड अगर होता है तो ऐसे वहाँ पर गिवन होता है, जबकि आपका जो है टीयर फर्स्ट या टीयर वन ही यहाँ पर गिवन है, इसलिए आपकी जो एग्ज़ाम होगी वो टीयर वन मतलब एक ही आपकी एग्ज़ाम होगी जिसमें दो सेक्शन आपको दिए जाएंगे, और दोनों में आपको जो है पास करना ज़रूरी है, पार्ट वाइज सेक्शन एक को ही पास करना ज़रूरी है 40% जनरल के लिए, और पार्ट जो आपका सेक्शन बी है उसको भी आपको पास करना ज़रूरी है 40% जनरल के लिए, बाकी तो गिवन है ही। तो ये ध्यान रखें, इसमें आपका एक ही एग्ज़ाम होगी, टीयर फर्स्ट ही होगा, सेकंड नहीं होगा। तो ये यहाँ पर दिया गया है कि आपको किस तरीके से सेक्शन जो आपका फर्स्ट है जिसमें आपको पूछा जाएगा, सेक्शन ए जो है भाई जिसमें जनरल अवेयरनेस, आपके जो रीजनिंग, ये सभी सारे सब्जेक्ट आएंगे 20-20 मार्क्स के अलग अलग, तो उसमें आपको पास करना ज़रूरी है 40% जनरल वालों के लिए, सेक्शन ए में लाना ज़रूरी है 40%, ये आपको सेक्शन बी है उसमें लाना ज़रूरी है, और ओबीसी के लिए 35 और SC ST के लिए 30। अब जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है वो ये हो रहा है कि इसमें इंटरव्यू है, स्किल टेस्ट है या नहीं है लाइब्रेरियन के एग्ज़ाम में, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देती हूँ आपको कि ये होगा या नहीं होगा। आपने यहाँ पर 7 पॉइंट देखा होगा कि स्किल टेस्ट और एंड्योरेंस टेस्ट विल बी टेकन एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब, तो आपका जो आपने ये टेस्ट देखे। अब उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये सारा आपका एनेक्सर फर्स्ट जो है आपके उसका जो फर्स्ट पॉइंट है नोट का, इसमें आप देखिए कि एप्लीकेंट्स ऑफ पोस्ट कोड्स स्पेसिफिकली बताया गया है कि कौन सा, कि 92/20 ये आपका लाइब्रेरियन का कोड है। अब इसमें पूरा दिया गया है कि किस तरीके से आपका इसमें सिलेक्शन होगा, तो इसमें गिवन है अच्छे से कि आपका सेक्शन ए एंड सेक्शन बी है आपको सेपरेटली पास करना है, जैसे अभी ऊपर बताया गया है कितने कितने आपको परसेंट मार्क्स लाने हैं, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स तो लाने ही है जो आपने देखे हैं 40, 35 एंड 30, और फाइनल मेरिट जो आपकी बनेगी वो आपके दोनों जो पास कर लेंगे फिर उसके बाद जो भी आपके मार्क्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग आपकी बनेगी मेरिट जो बनेगी, मतलब आपका जो सिलेक्शन होगा वो आपके इसी पेपर के बेस पर होगा। यहाँ पर कोई भी स्किल टेस्ट के बारे में जानकारी नहीं दी गई है कहीं भी, और सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये क्लियर हो ही गया है कि आपका टीयर वन ही होगा, टू टीयर आपकी एग्ज़ाम ये नहीं है लाइब्रेरियन की, जो कि मैंने पहले आपको एग्जाम्पल देकर बता दिया है कि जहाँ पर अगर टू टीयर की एग्ज़ाम होती है तो वहाँ पर किस तरीके से दिया गया होता है आपका पूरा एग्ज़ाम का पैटर्न। तो आई होप आपके पास ये क्लियर हो गया होगा कि इसमें स्किल टेस्ट का यहाँ पर कोई कुछ भी गिवन नहीं है। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको जो तैयारी करनी है वो किस तरीके से करनी है, तो इसमें आप अगर देखें कि आपके कितने 2 घंटे का पेपर होने वाला है, 200 क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं, तो इसमें अगर आप देखें आपके MCQ आएंगे इन पर्टिकुलर टॉपिक से, आपके यहाँ पर 4 टॉपिक स्पेसिफिकली दिए गए हैं 20-20 मार्क्स में ईच का होगा, अगर यहाँ पर 4 पॉइंट को कवर करेंगे तो फिर 180 होगा एंड इसको हर सॉरी 80 होगा, क्योंकि यहाँ पर 4 पॉइंट ही गिवन है, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। और यहाँ पर अगर आप देखें तो MCQ जो दिए गए हैं वो आपके 100 दिए गए हैं, इसको आप कंसीडर ना करें जो भी इसमें गिवन है कि आपके BEd से रिलेटेड, जबकि अपनी मैंने जो ऊपर दिखाया था आपको कि आपके स्पेसिफिक जो आपकी पोस्ट से रिलेटेड जो भी आपका सब्जेक्ट कंसर्न होगा उससे रिलेटेड होगा, जो कि आपका लाइब्रेरी से रिलेटेड है, तो इसका मतलब है कि आपके लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। अब जो ये गिवन है ये किस तरीके से होगा आपका जो एग्ज़ाम, काफ़ी सारे एग्ज़ाम आपके हो चुके हैं, जैसे अगर आप PRT का एग्ज़ाम देखें जो कि अभी नवंबर 2019 में हुआ था, तो मैं कुछ दिखा देती हूँ कि इस तरीके से आपके प्रश्न आएंगे, और ऑनलाइन अगर आपका एग्ज़ाम जो है वो इस तरीके से होता है कि जैसे पार्ट फर्स्ट, अगर जैसे आपको पहला पार्ट दिख रहा है जनरल अवेयरनेस का, तो उसके 20 क्वेश्चन दिखेंगे आपको, पहले 20 क्वेश्चन को करना होगा, उसके बाद ही आप पार्ट जैसे कुछ दूसरा सेकंड जो है उसमें आप जो है मूव कर पाएंगे। पहले आपको जो पार्ट फर्स्ट जो इसमें गिवन होगा जनरल अवेयरनेस का, उनको 20 क्वेश्चन आप जो भी क्वेश्चन करेंगे उनको सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद सबमिट हो जाएगा, उसके बाद आपका पार्ट जो सेकंड होगा या फिर दूसरे नंबर के जो क्वेश्चन होंगे वो होगा, तो सबसे पहले आपको पार्ट वाइज उनको सबमिट करना होगा, उसके बाद आपके नेक्स्ट ये ओपन होंगे। तो मैं आपको पेपर का पैटर्न दिखा देती हूँ किस तरीके से आएगा एक बार।
ये आपका पीआरटी का पेपर है, तो इसमें सबसे पहले जो आई थी आपकी रीजनिंग स्टार्ट हुई थी, 20 क्वेश्चंस ये आपके रीजनिंग आ जाएंगे। जब आपका ऑनलाइन एग्जाम हुआ था अभी, ये यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब जैसे कोई भी, जैसे मैं अभी एग्जाम दे रही हूँ, तो पहले मुझे इन 20 क्वेश्चंस के आंसर करने पड़ेंगे जितने भी मुझे आते हैं, उसके बाद मैं सबमिट करूँगी। सबमिट करने के बाद आपका जो सेकंड, इसमें जो सेकंड नंबर पर दिया गया है जनरल अवेयरनेस, वो ओपन होगा, ये ध्यान रखिए आप। इन इन क्वेश्चन में जैसे जनरल अवेयरनेस के आपके ये क्वेश्चन है, इनको कर लूँगी मैं 20 क्वेश्चंस, इनमें जितने भी आ रहे हैं वो मैं कर लूँगी, उसका सबमिट करूँगी। सबमिट करने के बाद ही आपका जो नेक्स्ट है वो ओपन होगा, ये डी टू पेस भी, मैं ऑनलाइन पैटर्न की बात कर रही हूँ। फिर उसके बाद जैसे आपकी अर्थमेटिक एबिलिटी आ गई है, आपके मैथ्स आ गई है, तो मैथ्स के आप जितने क्वेश्चन कर पाएंगे उस समय करेंगे, उसके बाद ही आप नेक्स्ट पर जा पाएंगे। ऐसा नहीं कि आप बीच में मैथ्स कर रहे हैं उसके बाद आप चाहते हैं कि सीधा मैं लाइब्रेरी साइंस के क्वेश्चन करूँ, वो बिल्कुल नहीं होगा, ये सीक्वेंस वाइज ही चलेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर जनरल इंग्लिश आ गई थी, जनरल इंग्लिश के बाद यहाँ पर आपको जो नेक्स्ट देखने को मिलेगी वो है आपकी हिंदी, ये यहाँ से आपके हिंदी स्टार्ट हो जाती है, जनरल हिंदी। एंड लास्ट में ये आपके 100 क्वेश्चन हो गए थे, ये आपके सेक्शन ए के क्वेश्चंस हैं 100। एंड आपका जो नेक्स्ट सेक्शन होगा वो आपका पोस्ट स्पेसिफिक जो क्वेश्चंस आते हैं वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाते हैं, ये आपके पोस्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं, जिससे आपके टीचिंग मेथडोलॉजी से भी आते हैं, पेडागोजी से भी क्वेश्चंस आते हैं, साइकोलॉजी से भी क्वेश्चन आते हैं, तो वो सभी। तो आई होप आपको ये पैटर्न समझ में आया गया होगा डीट वेस्पी का, किस तरीके से अब तक एग्जाम हुई है। तो इसमें आपको मेनली जानना था पार्ट, आई मीन आपका जो सेक्शन ए है उसमें किस तरीके से प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं। और ये भी आप जान लें कि जो एज के अंदर जो आपको रिलैक्सेशन मिलता है, भाई 30 इसमें एज मांगी गई है, तो जो ओबीसी वालों को जो रिलैक्सेशन दिया जाता है वो आपको पता होगा, जो वहाँ पर रहते हैं दिल्ली के अंदर उन्हीं को दिया जाएगा, बाकियों को नहीं मिलेगा, ये आप ध्यान रख ले, ओबीसी स्पेशली। और तो ऑलमोस्ट मैंने जितने भी क्वेश्चंस मेरे पास आए थे आपके कंप्यूटर रिलेटेड डिप्लोमा से, और जब के इंटरव्यू से लेकर, और जब के एग्जामिनेशन स्कीम को लेकर, वो सभी मैंने इस वीडियो में कवर कर दिए हैं। अभी भी कोई क्वेश्चन आपके पास रह जाता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, आई विल आंसर यू। और मेरा जो टेलीग्राम के चैनल है वो आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, आपको जो पहले जो एग्ज़ाम हो चुके हैं आंसर रिलेटेड पेपर ज़रूर मिल जाएंगे, और जो भी है वो मैं ज़रूर अपलोड कर दूंगी, जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी इनसे रिलेटेड। और बाकी लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड भी काफ़ी सारे मॉक टेस्ट चैनल पर अवेलेबल है, तो आप देख सकते हैं। और अगर आपने जिससे पहले का जो वैकेंसी का वीडियो नहीं देखा है, तो आप आई बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको पूरा लिंक मिल जाएगा। सो, चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि कोई भी नई अपडेट आए तो आपको सबसे पहले मिले, पूरी जानकारी मिले। सो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऐसे बने रहिए। सो, आज के लिए इतना ही इस वीडियो में।